क्लासेस, आज मैं आपको व्याकरण नामक चैप्टर से एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि उस व्याकरण नामक लेसन से सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ होगा। आइए मैं स्टार्ट करता हूं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक है व्याकरण की सर्दी और सेकंड टॉपिक होगा कला संवाद स्रोत। व्याकरण की जो शर्त होती है इसके लिए जिन दो तरंगों के अध्यारोपण से व्याकरण फ्रिंज प्राप्त होता है, चाहे वो फ्रिंज से जो उत्पन्न व्याकरण है संपोषी व्याकरण हो या विनाशी व्याकरण हो, सभी प्रकार के व्याकरण के लिए दोनों प्रकाश तरंगें एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न होनी चाहिए। ये रही पहली शर्त, दोनों तरंगों को किसी एक मूल स्रोत से ही उत्पन्न होना चाहिए। दूसरा शर्त है दोनों तरंगों के जो तरंग स्रोत है या तरंग उत्पादक स्रोत जो है वो कला संबद्ध होने चाहिए। कला संबद्ध होने का मतलब माध्यम के कणों का जो कंपन होता है वो समान कला में होना चाहिए, तभी एक व्यतिकरण उत्पन्न होता है और तरंगों के आयाम तथा प्रकाश तरंगों के तरंग दैर्ध्य दोनों समान होना चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम और उनके जो आयाम होते हैं तथा उनके जो तरंग दैर्ध्य होता है लैम्डा, वो दोनों बिल्कुल समान होना चाहिए लगभग। कभी कभी थोड़ा सा अंतर भी होता है, लेकिन अगर आयाम और तरंग दैर्ध्य दोनों समान हैं तो व्यतिकरण उत्पन्न होता है, चाहे वो संपोषी व्यतिकरण हो चाहे वो विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण की घटना तब होती है जब कण कंपन करने की समान कला में हो, और जब वो कंपन करने की समान कला में ना हो तो वहां विनाशी व्यतिकरण। तो आइए मैं आपको कला संबंध स्रोत के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं? ऐसा तरंग उत्पादक स्रोत, चाहे वो ध्वनि तरंग उत्पादक हो चाहे वो प्रकाश तरंग उत्पादक स्रोत हो, जिसमें माध्यम के कण कंपन करने की समान कला में हो, उसे ही हम लोग कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो व्याकरण प्राप्त करने के लिए हमें कला संबद्ध स्रोत की जरूरत पड़ती है, और कला संबद्ध स्रोत से जो भी प्रकाश तरंगें निकलती है उसमें आयाम और उसके तरंग लगभग बराबर होता है, इसीलिए व्याकरण के लिए कला संबद्ध स्रोत अत्यंत आवश्यक होता है। यदि माध्यम में उपस्थित कण कंपन करने की समान कला में हो तो उसे कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ऐसे तरंग उत्पादक स्रोत जिसमें कलांतर स्थिर हो या कलांतर शून्य हो उसे ही कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ये हमारे बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा व्याकरण नामक लेसन से। व्याकरण को इंग्लिश में इंटरफ्रेंस कहते हैं, और व्याकरण की जो शर्त है कला संबद्ध स्रोत बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताऊंगा फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई को डब्ल्यू से शो करेंगे, डब्ल्यू इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी होता है। जैसे कि आप जानते हैं व्याकरण में संपोषी व्याकरण और विनाशी व्याकरण उत्पन्न होती है घटना, कहीं ज्यादा चमक है कहीं कम चमक है। ज्यादा चमक वाले को ब्राइट नाम देते हैं, पर्दा होता है, यहां ब्राइट है डार्क है फिर ब्राइट है फिर डार्क है। ऐसी घटना दो लगातार दो क्रमागत या दो लगातार ब्राइट से ब्राइट या डार्क से डार्क के बीच की जो दूरी होती है उसे ही फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, डब्ल्यू बराबर डी लैम्डा अपॉन डी। डी जो है कैपिटल डी जो है स्लिट S1 और S2 से पर्दे के बीच की दूरी है, और स्मॉल डी दोनों स्लिटों के बीच की दूरी होती है, और लैम्डा प्रयुक्त एक वर्णी प्रकाश स्रोत का एक वर्णी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, क्योंकि इसमें एक वर्णी प्रकाश होना चाहिए तभी जो है प्रकाश तीव्र गति से और सीधे जाता है। स्टूडेंट्स यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल के अंदर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप जाकर क्लास 12 फिजिक्स
नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें आप फाइंड करें तो आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी सभी पार्ट में जितने भी लेसन आपके कोर्स में अलाउ है सारे चैप्टर आपको क्रम वाइज मिल जाएंगे और उसका स्टडी आप आसानी से ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।